हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज है, पहली बार भारत पहुंची पाकिस्तानी सेना है, आ गई। नहीं होगा यकीन, सच्ची में पूछा नहीं होता, मैंने पूछा आ गई, मैं तो नहीं यकीन कर सकती। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी इन इंडिया, अच्छा SCO इंडिया, अच्छा उस मीटिंग में आई है। चलो आर्मी देखते हैं कौन से आर्मी, एक कौन बंदा, आया दो बंदा। है, हाँ, एक या दो बंदा रिप्रेजेंट करने आया होगा, देखें क्या है, कौन आया है। किसमें इतनी हिम्मत थी कि हमारी हमारी धरती पे स्टेप कर सके। इस बार मतलब भारत पहुंची पाकिस्तान की सेना, तो इनका बॉर्डर पे मतलब आ गए। अच्छा, नहीं, समथिंग लाइक दैट। मेरे ख्याल से SCO में जो मीटिंग होनी होगी उसके अंदर वो होगा कुछ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पता है मैं अभी क्या सोच रही थी, मैंने कहा अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की ना, तो जैसे पहले ओवर स्मार्ट बने थे अभी पिछली मीटिंग में, और उनको कहा था आउट, गेट आउट, और उनको निकाल देते कि मैप में गड़बड़ करके घोटाला करने की कोशिश कर रहे थे ना, और फिर कह रहे थे जी हमारे पास तो एक यही मैप है और तो कोई हमारे पास मैप ही नहीं है। तो भैया नहीं है मैप तो मत कुछ बोलो, निकल जाओ। तो उनको निकाल दिया था मीटिंग से, वो मीटिंग से उनको निकलना पड़ा था। तो अब ये अगर कुछ करेंगे तो ये भी उनके साथ भी होगा, गेट आउट। तो चलो शुरू करें। भारत में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत से कई बार पिट चुकी पाकिस्तान की सेना अचानक दिल्ली पहुंच गई। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत में कदम रखा है। इस दल में पाकिस्तानी सेना के तीनों अंगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अच्छा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना का प्रतिनिधि मंडल पहली बार नई दिल्ली में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का भारत आना अपने आप में एक बड़ी घटना है। कितने आए ये देखना पड़ेगा। हैरानी की बात देखिए कि बार बार कश्मीर का रोना रोने वाली पाकिस्तानी सेना चुपचाप भारत पहुंच गई और इसकी ज्यादा भनक भी नहीं लगी। आपको ये बात सुनकर हंसी आएगी कि कुछ समय पहले पाकिस्तान को SCO बैठक में अपने चीफ जस्टिस को भी भेजना था, वो तो नहीं आया था। लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। पाकिस्तान ने उस वक्त कहा था कि जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा कोई बातचीत का फायदा नहीं है। तो फिर क्यों, लेकिन अब देखिए इनकी सारी अकड़ निकल गई। पाकिस्तानी सेना के ये अधिकारी चुपचाप भारत पहुंच गए। अब आप ही इस बात पर अपने विचार दीजिए कि पाकिस्तानी सेना का भारत आना क्या कश्मीर मुद्दे पर उसके सरेंडर को नहीं दिखाता है? क्योंकि जो लोग कश्मीर के मुद्दे के अलावा भारत से कुछ बात नहीं करना चाहते थे, तो वो आज भारत की धरती पर चाइना ने डांट मारी होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना का प्रतिनिधि मंडल ऐसे समय पर भारत पहुंचा है जब पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना पर लगातार तालिबान और TTP के हमले हो रहे हैं। इसके अलावा POK में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। POK के लोगों ने तो दोबारा भारत में मिलने की मांग तक कर दी है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना के इन लोगों का भारत आना हैरान करता है। ये वही पाकिस्तानी सेना है जो लगातार भारत को धमकी देती आई है। अभी भी कर रही है। एक और दिलचस्प चीज बताते हैं। खबरें हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान की सेना दोबारा से सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। तो वेली पता है। पाकिस्तानी सेना ने देश में बढ़ते आर्थिक संकट और बिगड़ते राजनीतिक हालात के बीच आपातकालीन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अच्छा। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में ठीक उसी समय पर हो रही है जिस समय पाकिस्तानी सेना का एक प्रतिनिधि मंडल भारत में मौजूद है। पाकिस्तानी सेना को डर सता रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार IMF से पैसे लेने के चक्कर में डिफेंस बजट में कटौती कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सीधे सेना की कमाई पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस बजट का आधा से ज्यादा पैसा तो पाकिस्तानी सेना के जनरल ही खा जाते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की सेना का जो डेलीगेशन भारत पहुंचा है, कितने लोग उसे देखते हुए अब ये संभावना बढ़ गई है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी भारत आ सकते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी अप्रैल और मई में आमंत्रित किया है।
इन दोनों को भी SCO बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। आओ तुम्हें बताएंगे। तो भाई लगा शौक कि आ गए हैं, पता नहीं कैसे आ गए हैं, मैं तो समझ नहीं आती ऐसे को लगा काम करके। एक आध बंदा आया होगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। हाँ, पर हर एक मतलब उनकी जो तीन है उन तीनों में से एक शायद आया होगा, दिखाया नहीं कौन आया। वो कह रहे हैं इतनी क्वाइटली आए हैं कि किसी को पता ही नहीं चला इंडिया में। उन्हें भी डर लग रहा होगा, इंडिया में आ रहे हैं जैसे काम किए हुए इंडियंस को पता चल गया तो क्या होगा। कोई भी अगर भाई हम कुछ करेंगे नहीं, पर अंदर से तो डर लगेगा ही ना, जो काम करके आए हैं। कोई तुम फ्रेंडली तो हो नहीं हो, तो वो तो बात है, पर आए क्यों हैं? ये तो पहले अकड़ के बोल रहे थे ना कि भैया कश्मीर का जब तक मुद्दा नहीं सॉल्व होता हम नहीं आएंगे, जैसे कह रहे हैं। तो अपना उन्होंने पहले वाले को तो भेजा नहीं था, तो अब कैसे आने को तैयार हो गए? चाइना ने बोला कि जाओ नहीं तो तुम्हारी पिटाई होएगी मेरे से, या मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। पता नहीं, चाइना बोल सकता भाई हमारा SCO है, हमने अकाउंट किया, हमने कहा तुम कैसे नहीं जा रहे हो, जाओ चले जाओ। बताओ क्यों आ रहे हैं, या सोच रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ मांग लें? तुम्हारे पास इस वक्त कोई पैसा नहीं है तो तुम कॉन्ट्रीब्यूट तो कुछ नहीं कर पाओगे, मगर फिर भी देखो क्या कर सकते हैं। बट इंडिया को पता है, इनको एक सबक सिखाना चाहिए कि तुम ये जो खालिस्तान का काम कर रहे हो ना, इसको रोक दो, नहीं तो तुम्हारे को हम देखो तुम्हारे साथ क्या हाल करते हैं। तो रॉ करेगी, रो रहा है, करना तो पड़ेगा। ये जिस तरह से है जो SCO में आ रहे हैं तो ये अलग बात है, क्योंकि काफ़ी लोग उनको परवाह नहीं है अपने लोगों की, पैसा बर्बाद होता है हो जाए। स्पेशली लोग जा रहे हैं वैकेशन करके वापस आ रहे हैं, वहाँ कंट्री की हालत बुरी है, तो दे डोंट केयर। इनका कोई कंट्रीब्यूशन तो होना नहीं इस मीटिंग में। ये जैसे पिछली वाली मीटिंग में इनको गेट आउट किया, इन्होंने इस बारी भी कुछ गड़बड़ करनी है। जो कंट्री की खुद ही इकानमी इतनी बुरा हाल है, रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम हो रही है, बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं, वो ऐसे जो गैदरिंग होती है वहाँ जाके क्या करते हैं, आई डोंट नो। वो सिर्फ सुनने जाते हैं, अच्छा ये, क्योंकि उनके पास तो खुद पैसा है नहीं लगाने का, ना वह कुछ ट्रेड कर सकते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं इंडिया के साथ। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली वहाँ होगा क्या, बट अपना पैसा ज़ाया करके लोगों का कैसे थे, अपने टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करके आ जरूर गए हैं। मेरे ख्याल से उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट हमें रोटी छोटी तो खाने को मिलेगी अच्छी इंडिया में, उन उसकी क्या चक्कर है। बट चलिए ठीक है, अच्छा पता लगा कि हमें पता नहीं था कि कोई आर्मी के लोगों ने भी रिप्रेजेंटेटिव आना होता। अलग अलग टाइप की मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसे लगता है कि अलग, पहले किसी कोई ऐसे ग्रुप की, एक ग्रुप की हो रही है तो उसमें इनवाइट होते हैं, फिर ऐसे लग रहा है ये फिर मिनिस्टर्स के ग्रुप की भी हो रही है, कह रहे हैं ना इसके बाद मिनिस्टर्स की भी, फॉरेन मिनिस्टर और उनकी होगी तो वो भी आएंगे, या वो इंडिया देखने आ रहे हैं कि कितना ग्रेट लग रहा है इंडिया, क्या महान लग रहा है, उन लोग अरे वाह क्या फॉरेन कंट्री लग रही है, तो उसका भी थोड़ा जजमेंट लेने के लिए कि इंडिया की हालत क्या लग के उनको लगता होगा वाह मैन ये तो बड़ा ज़बरदस्त आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, तुमको अभी और दिखाएंगे, तुम वेट तो करो। बिल्कुल, अब G20 में तो उनको मौका नहीं मिलता, तो ऐसे छोटे मोटे जो होते हैं गैदरिंग्स उसी में उनको मौका मिलता है आने का और देखने का। बिल्कुल, पर मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि पाकिस्तानी सेना आ रही है, आई कांट बिलीव इट, और आ गई है, जल्दी जाए होंगे जो भी आया, जल्दी जाए भैया, आई डोंट लाइक देम कमिंग यार इंडिया, जल्दी निकलो भैया, जल्दी आओ, जल्दी जाओ, नेक्स्ट टाइम मत आना, मैं तो ये कहूंगी। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।